में आपने अपने बेटे का नाम अपने प्यारे प्यारे शब्दों से ले ही दिया, हस्बैंड वाइफ ने अपने बेटे का नाम ले ही दिया। और यही मैं चाहती थी कि तुम्हारे जुआ से पहले ये नाम निकले, तड़कना भड़कना सबको आता है ना, तुम मुझे खा जाओगी ना मैं तुम्हें खा जाऊंगी, ठीक है। और रही बात ढूंढने की, तो जहाँ पता है वहाँ हूँ, पहले उससे पहले सबूत मांग रही है ना, आज छोटा सा सबूत तेरे को देती हूँ, तो आप लोग सबूत थोड़ा सा सुन लीजिए। हम लोग का तो कर सीधे कहेगा कि अगर कोई नंबर भी देगा तो कहेगा कि लाओ हम बात करते हैं, चैनल मैनेज करवा लेंगे हम, स्टार्ट किसी को की, देखिए आप जानते हैं कि संजय को ये एक एक रिकॉर्डिंग है, और सुनिए दोस्तों। हाँ तो अंधेरा हो गया, लेकिन फिर भी ब्लॉग कर रही हूँ मैं। आप लोग एक बात और कहना चाहूंगी, गोरखपुरिया भौजी का जाके ब्लॉग देखिए, कह रहे हैं ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा पड़फड़ाओ मत, काट दिए जाओगी, यानी कि मेरा पत्ता काटने वाली है ये, कटवाने वाली है, और अयोध्या ये इसीलिए आ रही है, मेरा पत्ता ये काट, मेरा पत्ता सफासट करना चाहती है, इसलिए अयोध्या आ रही है। साफ साफ अपने अपने मुंह से अपना सबूत दी है, ज्यादा फड़फड़ाओ मत, अगर इनके खिलाफ कोई भी खड़ा होगा तो ये काट देंगी, पंख कटवा देंगी, समझ जाइए। और आज से कुछ साल पहले मैं विष्णु की तरफ से थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया था, हालांकि मेरा विवाद वाद नहीं था, बनाया था। आप लोग दिमाग लगाइए, कहाँ से वो दिमाग लगाइए। अच्छा ठीक है, दूसरी बात और मैं ये सवाल करना चाहूंगी, मेरे चैनल से जो पैनल क्रिएट हुआ था, जो चिल्ला रही है, चीख रही है, मेरे पैनल से जो चैनल डिलीट हुआ था 3 महीने के अंदर, मेरे अलावा किसी का चैनल डिलीट हुआ हो, बात और बताऊंगी। जो महादेव चिल्ला रहे हैं कि दीपू ने सारी सच्चाई राधा को बता दी थी आपके चैनल से, अभी तक दीपू को मैंने अपने चैनल का लिंक भेजा था, दीपू ने उधर से कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया है, ठीक है। तो जाके अपने दीपू बेटे से पूछ लो, और दीपू अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो अगर तुम अपने आप पता नहीं भाभी पता नहीं क्या बोलते हो, मुझे नहीं पता, जाके अपने महादेव भैया को बताओ कि क्या तुम मैंने चैनल का लिंक भेजा तो क्या आपने मुझे उधर से डिटेल निकाल के दिया था, जाइए बताइए जल्दी से, वरना जो वो कह रहे हैं उसका फिर वो उसका भी उपाय है। दीदी एक बात और हम भुला गए, लली गोरखपुरिया भाऊजी अपने मुंह से बताएं, ये बताइए अगर उन्होंने स्ट्राइक नहीं मरवाया तो उनको कैसे पता मेरा तीनों चैनल एक ही दिन टर्मिनेट हुआ, डिलीट हुआ, जो भी हुआ। यार सबूत खुद दे रही है, पब्लिक दिमाग लगाओ, इनको कैसे पता कि मेरा तीनों चैनल एक बार ही डिलीट हुआ। अरे और कहती हैं कि कोई वीडियो नहीं देखता है, कोई सब्सक्राइब नहीं, अरे हम सब्सक्राइब कर रखे थे, चैनल आएगा ना तो उसका भी सबूत स्क्रीनशॉट लगा देंगे कि तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर रखे थे, ठीक है। कहे भौजी अपने बड़ा अपना टंगरिया मारा था, सारी सच्चाई दोस्तों वो अपने मुंह से खुद बता रही है, मैं मेरे को तो सबूत देने की जरूरत भी नहीं है, इतना जान लीजिए बस। एक बात और कहना चाहूंगी, जो पैनल हमने लिया था मिलके, हमने और रंजन ने मिलके पैनल लिया था, क्या 3 महीने के अंदर कोई भी चैनल डिलीट हुआ, किसी भी चैनल, बहुत शोर हो रहा है, 3 महीने से कोई भी चैनल डिलीट हुआ, सिर्फ मेरा हुआ है क्योंकि इस चीज पे मैं कंफर्म हूँ, और जो चैनल मेरे जो हमारे जो मतलब मैनेज में था वो एक भी चैनल डिलीट हुआ, तो मुझे सबूत दे, सबूत दे। और जो आज चिल्ला रहे हैं कि चप्पल मारेंगे, चप्पल तो पब्लिक तुम्हारे मुंह पे मार रही है, हमारे भी मर्द है, ऐसा नहीं है कि हमारे मर्द नहीं है, जिस दिन हमारे मर्द बोलेंगे ना, एक क्या में पता नहीं का तू कर पेबा, भगवान न जाने। और हाँ दूसरी बात, गोरखपुरिया भौजी जो इतना चिल्ला रही हैं, तबीयत ठीक हो गया भौजी का, मैंने तो आपके पास फोन नहीं किया, आपने कल किया, आप कह रही है मेरे फोन का मजाक उड़ाया गया, फोन करो, तुम्हें दम हो तो तुम मिलो, मैं क्यों मिलूं तुमसे, कौन हो तुम, आप जहां बुलाएंगी मैं वहां आ जाऊं, आप जहां जब आप पैसा दे देके सारा कांड करा सकती हैं, अपने हिसाब से समझ लो कह सकती हैं, तो क्या सबूत है कि मैं आपके पास हूं, आप मेरे साथ क्या नहीं करेंगे। अब भाई नॉर्मल सी बात है। और रही बात, हाँ एक चीज और कह दूं, कह रही हैं कहीं रहोगी मिलूंगी अयोध्या में, अयोध्या में तुमको पता है मैं चंदा दीदी के स्टूडियो पे हूँ, तुम अपने दुश्मन का नाम लेती हो। अच्छा ये बताओ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे वो कह रही हैं कि चैनल इनका सेमस में था तो कैसे डिलीट हो गया, रुक जा, कैसे डिलीट हो गया और कैसे बहुत सारे लोग को डिलीट हो गया, यार ये भी तो पैनल चला रही है खरीद, रुक जा, इनको ये मैं बता पूछना चाहती हूँ इनसे कि सब लोग जानते हैं चैनल से पैनल खरीदा जाता है, इनका पैनल खरीदा गया था तो इनका बड़ा वाला चैनल राधा राज गोरखपुर था, तो रामवीर लव जो चैनल था
वो कहाँ से डिलीट हो गया दोस्तों? सात स्ट्राइक लगी थी, सात आठ स्ट्राइक। तीसरा का जो दूसरा चैनल, तीसरा वाला चैनल था, वो चैनल वो कैसे डिलीट हो गया? चलिए मान लीजिए एक चैनल से सेमस था। और दोस्तों बता दूं, आठ स्ट्राइक एक चैनल पे थी, दो स्ट्राइक एक चैनल पे था। और रंजीत मीरा लव इस पे भी स्ट्राइक लगा। मेरे घर के जितने लोग थे, भाई भाई थे, रवि राज करके थे, वीडियो डालते थे, सबका धीरे धीरे सब पे पहले स्ट्राइक लगा, चैनल टर्मिनेट हुआ। मैं गोरखपुर गणेश भैया के पास लेके गई, उन्होंने बोला कि चैनल डिलीट हो गया। अच्छा दूसरी बात, भाई जिससे जितना कोशिश हुआ उतना उन्होंने किया। फिर मेरे को और जगह मिला, मैं वहां गई, वहां पे मैं तो मान लो मैं पास में थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे को यहाँ चंदा दीदी के पास छोड़ के चले गए, और वो अभी फिलहाल लखनऊ में ही है। तो जैसे वो आते हैं वैसे महादेव का जवाब मेरे मर्द ही देंगे, क्योंकि मुझे अब यार मर्द उससे क्या बात करूं यार, आज दो दिन से मर्द वाला काम कर रहा था, उससे मैं बात करूं? बताओ वो मर्द अब मतलब अब माना कि मैंने महादेव भैया आप थोड़े मर्द बन गए हैं, अपनी बीवी को आप रख सकते हैं काबू में, बोल भी रहे हैं उसी तरीके से, हाँ काबू में रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बीवी को कुछ कह देंगे, किसी की भी बीवी को कुछ कह देंगे। और दूसरी बात, गोरखपुरा भौजी जो इतना चिल्ला रही हैं, सब जुट गए हैं, सब मिल गए हैं, अभी सोचो राधा राज ने सिर्फ आवाज उठाई, तुम अपने मुंह से उगल रही हो सच्चाई कि बाबा ठाकुर ने सबसे पहले मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा, तो आज से पहले तुमने क्यों नहीं बाबा ठाकुर के नाम पे वीडियो बनाया? बिल्कुल, आंख दिखाना चिल्लाना हमको भी आता है, माँ का दूध तुम पियो तो माँ का दूध हम भी पिए हैं, ठीक है? चिल्ला के अपनी ये मत सोचो, चिल्लाओगी तो कोई चिल्लाएगा नहीं, डर जाएगा, चाहे कोई बात है, मेरा तब भी नहीं कोई उखाड़ पाया था, मेरा गोरखपुरिया भौजी आज भी कोई नहीं उखाड़ पाएगा। हाँ भाई जैसी बात है, कोई खिलाफ में वीडियो बनाएगा स्ट्राइक मार के चैनल डिलीट करा देगी, तुम्हें नहीं पता है? चैनल हो तो अपने मुंह से कबूल रही है, और अपने मुंह से कबूल रही है कि बाबा ठाकुर ने सबसे पहले मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा, महादेव खुद उगुल रहा है, उगुल आज से पहले तुमने क्यों नहीं उसके नाम पे एक भी वीडियो बनाया कि तुम लोग सारे यूट्यूबर सतर्क हो जाओ, ये फलादमी भी स्ट्राइक मार रहा है। और नहीं तो फोन करके लोग बोलते थे जो जितना पैसा मांग रहा है दे दो, सिखाओगे? सिखाने का काम चार, अरे तो आधा मिलता नहीं था। और सुनो साफ साफ, आधा मैनेज में लो, आधा आप लेना, आधा मैं लूंगा, साफ साफ यार इतना कोई नीचे गिर जाएगा मैं तो सोची भी नहीं थी। और हाँ एक बात और मैं ये जानना चाहती हूँ, सांप तो तुमने पाला, बाबा ठाकुर बेटा बोली जो कि पहले के रिकॉर्डिंग में वायरल है कि बेटा हवा माई के दर्द समझ गया, माँ का दर्द तो उसने समझा, सबके चैनल को वो स्ट्राइक मार के सुताता गया, पैसा लेता गया, तब तो तुम्हारे लिए ठीक था, लेकिन जब पैसा तुम्हें मिलता गया, पैसा तुम देती गई स्ट्राइक मारने का, जब सुताता गया सब तब ठीक था, लेकिन अब जब हम तुम्हारे मुंह से कबुलवाए तो आज खराब हो गया। किसी तरह हम लोगों ने समझाया बुझाया, राधा किसी तरह समझाई बुझाई, भैया ये गलत था। हम मेरा दोस्त मेरा ये काम था, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको समझाया जाए, उसको अच्छी लाइन पे लाया जाए। हमने उनसे एक ही बात की कि भैया देखिए आप ही, जब आपको ही पैसा देके लोग स्ट्राइक, मेरी बात सुनिएगा, आपसे ही जब लोग पैसा देके भैया स्ट्राइक मरवाते हैं तो क्यों ना आप ही हमारा चैनल मैनेज में करिए, और सेफ रहेगा, क्योंकि अगला आदमी आपको स्ट्राइक मारने के पैसे देगा तो उसको पता होना चाहिए कि आपके पास मेरा चैनल है, ठीक है? तो वो मेरा चैनल मैनेज करते थे। अच्छा तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तरह मैं भी पैसे देके स्ट्राइक मरवाऊं सबको, उसको मैं अच्छा भी समझा सकती थी, तुमने जो काम किया है पैसा दे के करवाया है, अगर तुम चाहती ना तो उसको बोलती कि हमसे जुड़ के रहो, दो चार लोगों का चैनल मैनेज में दिलवाएंगे और अच्छे से काम चलेगा आपका, भैया आप अच्छे से साफ सुथरा अपना बिल्कुल सेव करिएगा, देखिएगा, अगर मैं आप स्ट्राइक मारने का पैसा लेते हैं इससे आप चैनल सिक्योर करने का पैसा लीजिए। किसी मुंह से ये लोग कहते हैं कि आप मुझे गाली दे के अपना घर पर पालिए, रोटी खाइए, और उसी मुंह से इसका पति कहता है कि मैं मुझे गाली देके अपना घर चलाइए, मुझे दिक्कत हाँ। नहीं है, और उसी मुंह से ये कहती है मुझे मेरे जो गाली देगा हाँ। मेरे खिलाफ वीडियो बनाओगी तो चैनल स्ट्राइक मार के चैनल। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, अगर हमारे पास टोटल वीडियो कैमरे में है ना, अगर दे दिया जाए ना तो महादेव सबूत की बात करता है ना, मैं इसे सबूत मांगती हूँ कि मेरे पैनल से किसका चैनल डिलीट हुआ है, मेरे पैनल जो हमारा पैनल था हमने लिया है, पैनल में जिसका चैनल मैनेज में था किसका डिलीट हुआ है, इसका सबूत मुझे महादेव से चाहिए, वरना मैं अपने मर्द से जैसे चप्पल की बात किया है ना थूक के, इसका जवाब चप्पल से ही फिर दूंगी, ये भी ध्यान रखना। और दूसरी बात मैं और बता दूं दोस्तों, ये अब वीडियो भाव सके वीडियो भी बनाए कि डर के मारे राधा राज नहीं आई, क्यों आऊं? कौन हो तुम? कौन हो कि तुम्हारे बुलाने पे मैं अयोध्या पहुंचूं? कौन हो? आज मैंने मुद्दा उठा दिया तो तुम मुझसे मिलके मेट्रो सेट आउट करना चाहती हो? अच्छा हाँ ये बात तुमको पता है कि मैंने दीपू से बात की, तब भी तो तुम मेरे पास फोन कर सकती थी कि राधा क्या बात है क्या हुआ, लेकिन नहीं,
हाँ दीपू जब बताया कि उनके चैनल हाँ। डिस्लाइक लगा है, वीडियो नहीं मर्द बीवी लड़ाई कुछ भी। और हाँ एक बात और बोलिए कि मियां बीवी लड़ाई कह के चैनल डिलीट तो का करी। मान लो हम तो मियां बीवी लड़ाई कह के चैनल डिलीट कर दहली तो रेखान मियां बीवी लड़ाई कह के वीडियो बनाई व्यूज कमाई और वीडियो बनाई व्यूज कमाई तो रेखान। मैं ज्यादा दोस्तों बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की भी मुझे ज्यादा अपने मुंह से मैं किसी को कुछ बदतमीजी से बोलूं मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि गोरखपुरिया भौजी अपने मुंह से सारी सच्चाई दे रही हैं, जाके आप लोग देखिए और बाकी का मेरे बात पे गौर करिएगा। जो सोचिए मेरे एक वीडियो बनाने से अपने मुंह से सारी सच्चाई को कुब लिया कि बाबा ठाकुर पहले मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा था ये वो, यानी कि चंदा जी ने जितनी रिकॉर्डिंग वायरल की थी सारी रिकॉर्डिंग सही थी, चाहे कौशल भैया को लेके हो सबको मैनेज में लेके आज भी मेरे पास है, आज भी है, आज भी और मैं बताती हूं तगड़ा तगड़ा रिकॉर्डिंग है, इनको मैंने सुनाया है दिखाया है। और मैं नाम बता देती हूँ किसका किसका नाम है। प्रीति का नाम है, रेनु का नाम है, सरोज का नाम है, प्रीति की बहन का नाम है जो एक आंख से मतलब थोड़ी दीदी वैसी हैं, रजनी कौशल का नाम है, कन्हैया का नाम है और राधा का नाम भी हाँ, है। मेरा तो नाम है, पहले तो मेरा ही नाम है। ये बोला कि स्ट्राइक मार मार के और मैनेज में अपने ले लेते भाई सही बात है। आप तो चोरी करा रही थी सारी रिकॉर्डिंग। और हाँ एक बात और कहना भूल गई, आप बता रही हूँ मैं किसी को दूंगी नहीं रिकॉर्डिंग क्योंकि हम ये नहीं चाहते सबको सामने सुनाएंगे, किसी को फोन पे नहीं भेजेंगे, किसी को सामने सुनाएंगे। सुनिए क्योंकि सबको ये लगेगा कि चंदा रिकॉर्डिंग देके पैके राधा को अपने और घींच रही है। नहीं 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 मैंने अपने कान से सुना और ये चीज मैं सबको अपने कान से सुनाऊंगी। और हाँ एक बात और किसका नाम था, सरोज का नाम था और पता नहीं किस किसका नाम था, भगवान जाने। और मैं बता दूं मेरे 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 जो पैनल होता है उसमें जितने लोग का चैनल है सेफ है, सेफ है, अगर वो लोग भी अपना चैनल लेना चाहते हैं। गुड्डी का नाम भी था हाँ, गुड्डी का नाम था बताओ, एक विकलांग लड़की को इन्होंने नहीं छोड़ा, गुड्डी का नाम भी था, एक विकलांग, इनकी तरफ से हम यार इतना लड़ते थे, इतना हर जगह खड़ा होते थे, लेकिन आज यार वैसे बोल रही हैं हम तो यार क्या बोला जाए, माँ कसम समझ ही नहीं आता। बस ये समझ में आ रहा है अब जो होगा सो होगा। आप मिलना चाहती हैं आइए चंदा दीदी के स्टूडियो पे मिलते हैं, आपको हम सबूत देंगे, आप हमें सबूत दीजिए। और हाँ मेरे हस्बैंड तो है नहीं, हम तो आएंगे नहीं अयोध्या, आपसे बोल दें फोन कर दीजिए अपने हस्बैंड को कि वो आ जाए हाँ। क्योंकि लखनऊ से हाँ। काम कर रहे हैं, इसके चक्कर में मैं अपने चैनल थोड़ी खवाने दूंगी यार। जब तक मेरा मर्द काम नहीं, जब तक मेरा आदमी काम नहीं करेगा इसकी तरह मेरा मर्द थोड़ी ना फोन कर ली हड़ कैली बस मुंह तो मल्ला पैंटे में जाने लू कुल बात। तब भाई मेरे आदमी काम से गए हैं, जब तक मेरा चैनल हाँ कौशल भैया एक बात बोले हैं, कौशल भैया कि हम नहीं रजनी दीदी बोली है कि हम लोग इतना पैसा देके, तो सही बात है दोस्तों, उतनी समय हम लोग भी अपना पैसा दे देके अपना चैनल सेव कराए थे जब शुरू शुरू में स्ट्राइक लगा था हमारे पे भी, क्योंकि पहले हम तो जानते नहीं थे स्ट्राइक का मतलब क्या है क्या नहीं है। जब सबसे पहले उन लोग पे लग चुका था, मेरे पास बाद में लगा था क्योंकि एक मैं ही ऐसी बची थी जो फिर आगे बढ़ रही थी। हाँ शुरू शुरू मेरा भी लगा था, मैं भी 20,000 रुपए दी थी सबसे पहले, बताइए मैं भी 20,000। आखिर में उस 20,000 में से आधा आधा मालिक कौन होता था, अब आप लोग दिमाग लगाइए, आधा आधा दिमाग कौन रहता था। रिकॉर्डिंग तो मैंने थोड़ी सी सुना दिया कि मैंने लीजिए 50-50% लेंगे, तो आधा मालिक उसका कौन रहता था, अब आप लोग दिमाग लगाइए। और हाँ ऐसन का बताए ऐसन चिल्ला देने यार पानी खा जाएंगे। अरे यार चिल्लाना सबको आता है, बस हम लोग ज्यादा ओवर एक्टिंग बन के नहीं दिखाते हैं कि शेरनी है, वीडियो नहीं वीडियो बनाना बंद किए थे मर नहीं गए थे, हमने तो ये बोला नहीं कि आप मर गई हैं। और ये कह रही है कि पब्लिक को भड़का रही है, पब्लिक के कमेंट खुद अपने पागल नहीं है, पब्लिक पागल नहीं है ठीक है, पब्लिक को तुम गुमराह कर सकते हो, सब नहीं गुमराह कर सकता है, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसा वीडियो नहीं पड़ा है कि मर्द को लतियाए मर्द को गरियाए और नतिया का बेटा, सबसे ज्यादा अश्लीलता तो आप फैलाई है, अब मैं कहती हूँ सही है, नतिया का बेटा वही नतिया का बेटा बोल रही है, जो नतिया का बेटा आपका वीडियो देख रहे हैं उन्हीं नतिया के बेटे को आप ऐसे ऐसे बोलती हैं। चलिए खैर मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने मुंह से अपने बेटे का नाम लिया और अपने बेटे की सच्चाई आपने अपने मुंह से खुद बताई, और वो बेटा शायद बाप बन चुका है आपका, क्योंकि देखिए देखिए दोस्तों अगर कोई छल कपट के साथ रहता है तो इंसान छल कपटी सीखता है, चोर के साथ रहता है तो चोरी सीखता है, और अच्छे आदमी के साथ रहता है तो अच्छा ही सीखता है। क्योंकि देखिए मैं म्यूजिक चैनल में थी, मैंने उनका गाना भी किया था, उन्होंने पेमेंट किया तब मैंने गाना करके दिया, बिल्कुल ठीक है, तो अच्छे के साथ अच्छा ही होगी क्योंकि वो बहुत बदल चुके थे, लेकिन भगवान जाने। खैर कोई बात नहीं, क्या पता इनकी उनसे बात हुई हो मुझको नहीं पता, हम नहीं जानते, हमें भी हमारे जब तक मेरा चैनल पैसा दिए हाँ, बस जब तक मेरा चैनल, क्योंकि सोचिए जो बंदा अगर मान लीजिए चोरी करके स्ट्राइक मार के पैसा कमाता है वो क्या हम लोग पे स्ट्राइक मारेगा, वो हम लोगों को भी डरा सकता है ना कि स्ट्राइक मार दे मैं तो हमारा गनवा कह दे, बिल्कुल,
लेकिन हम लोग पैसा लेके काम कराए हैं। तुम्हारे जैसे दबंगई से नहीं कि मेरे खिलाफ वीडियो बनाओगी तो तुम्हारा चैनल स्ट्राइक मार्केट। मैं ये भी कहूंगी, मैं लास्ट तक वीडियो में ये भी कहूंगी दोस्तों आप सभी से, अगर मेरी कुछ बात गलत है आप लोग मुझे भी समझाइए, मुझे भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, मेरी गलती हो तो मेरी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं जाएगा, मैं किसी का चैनल डिलीट नहीं कराऊंगी। ये सबका घर खा के बैठ सकती है लेकिन मैं नहीं, ठीक है। यहाँ तक कि मेरे चैनल से जब पहली बार जब मेरा वीडियो डाउनलोड कर करके डाला जा रहा था तब मैंने पहले ही बता दिया था मेरे चैनल से दोस्तों स्ट्राइक जा रहा है, मेरे पास पूरा सबूत है कि मेरे चैनल से स्ट्राइक जा रहा है, ठीक है। और आप लोग पे चैनल पे स्ट्राइक जा रहा है तो आप लोग मुझसे संपर्क करिए, फोन करिए, नंबर डाला था मैंने बकायदा, कमेंट करने को बोला था और मैंने बहुत लोग का सेव भी कराया था, ठीक है, इस चीज को मत बोले। और दूसरी बात, इनकी तरह मैं तो मुझे झूठ का फ्रेम बनना आता नहीं है तो मैं झूठ की फ्रेम तो बनूंगी नहीं। और दूसरी बात, अभी भी यही कहूंगी, मजबूर जरूर हूं लेकिन तुम्हारे चिल्लाने से डरूंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि जो लोग YouTube से जुड़े हैं वो लोग पागल नहीं है। तुम जिसका जो जो चीज करी हो, आज जो लोग इतना पैसा पहले फेंके हैं अगर वही 2 रुपए बचा होता तो आज बहुत कुछ किए होते सब। बस यही कहना चाहूंगी, कोई साथ देना दे दोस्तों, बस मैं यही कहूंगी कि मैं लड़ूंगी और आप लोग जिस तरीके से मेरे पास विश्वास कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि मेरे पास भी साबूत है, जो जो साबूत आपके पास वो साबूत मेरे पास है, मेरे साथ इन्होंने किया है, मैं लड़ूंगी। चैनल बहुत होगा, चैनल डिलीट क्या रही है, मिलके पैसा खाता था, लाखों करोड़ों पैसा खाया है। अरे लाखों करोड़ों तेरे पीछे दिख रहा है कि तू खाया है और बनवाया है, और नहीं खाने को मिला, जब चैनल से नहीं खाने को मिला तो रो रो के तुम लोग पैसा मांगे हो, ठीक है। ये मत भूलो कि वही यूट्यूब फैमिली जिसको आप लोग बोल रहे हो कि कोई हमारे खिलाफ वीडियो बनाएगा तो हम स्ट्राइक मार देंगे, वही तुम्हारा सपोर्ट किया तुम्हारा घर बनवाने में, उस घर के सिर्फ तुम उस जमीन के मालिक हो लेकिन वो जो घर बनाया ना उसके मालिक तुम नहीं हो, उसका वो उसके हकदार तुम नहीं हो। बाकी कोई इतना गरीब महिला आती थी, कोई 4,000, कोई 2,000, कोई 1,000, कोई 5,000, कोई 500। और दोस्तों इनका आपने एक वीडियो भी देखा होगा, एक औरत साड़ी लाई थी, थोड़ा छाप में साड़ी था, मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत बुरा लगा था लेकिन मैंने नहीं बोला, मैंने बोला जब कोई नहीं उठा रहा है सवाल तो मैं क्यों उठाऊं। बिल्कुल, एक गरीब महिला साड़ी लाई थी दीदी, ये बोली देखिए दीदी हमारे लिए साड़ी आया है लेकिन मेरे आदमी बोल रहे हैं ये गरीबों वाली भिखारी वाली साड़ी क्यों पहनो। बताया 1 रुपया गिफ्ट होता है, गिफ्ट। और ऐसा नहीं है कि कोई आता है तो खाली हाथ आता है, ऐसा नहीं है, खाली आता था। वो बताती महिला को प्रमोशन नहीं करती, बोलती नहीं है उसके चैनल में। और जाके रिश्तेदार जाके अगर आरी बगली में सब बैठ जाते थे दोस्तों, हम लोग के पास इतना सबूत है ना, अगर हम लोग सारा सबूत देने लगे ना तो जो लोग गोरखपुरिया भौजी का गा रहे हैं, लेकिन अभी तो मैंने नहीं देखा कोई गा रहा है क्योंकि सब नहीं, सब एक दो कमेंट आता है चट्टू, कोई बात नहीं क्योंकि अभी उन लोग को सच्चाई नहीं पता है ना, जिस दिन सच्चाई पता चलेगी उस दिन वो लोग खुद समझ जाएंगे। ये कहना चाहूंगी, हाँ अगर सच्चाई देखनी है गोरखपुरिया भौजी की तो आप लोग गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ एक वीडियो बनाइए, उसके बाद देखिए ना स्ट्राइक जाता है ना आप लोग का चैनल डिलीट होता है, तो आप लोग कहिएगा क्योंकि अपने मुंह से बोलिए। और चैनल पे अगर स्ट्राइक लगता है आप लोग गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं तो हम लोग से संपर्क जरूर करिएगा। धारे की बात करिए यार, मैं धारे की बात भी कहना चाहूंगी, जो कह रही है कि जो धारा तुम पे लगा वो धारा मुझ पे भी लगा है, लेकिन मुझ पे धारा लगा है तो कहीं ना कहीं मैं आपसे हर एक बात शेयर कर रही थी, दीदी यहाँ पे ये चीज, दीदी यहाँ पे ये चीज, लेकिन आपने एक बार भी आपने हर जगह मैनेज किया है, हम लोग पागल नहीं है, हम लोग जहाँ जगह है सब जगह से हम लोग को सुनाया है, हर जगह आप अपना अपना मैनेज किए, जहाँ जहाँ मैनेज किए तहाँ सिर्फ आप अपना अपना बात किए और अपने आप को अपने आप को रस्ते में सटाने की बात की है, हमारे लिए कहीं बात नहीं की है। शायद ये चीज आप भूल गई कि वही मालती की जहाँ पे लहास रहती थी, मालती की जहाँ पे लहास थी आपको सब लोगों ने जूझ रखा था, वहाँ पे ये राधा राज खड़ी थी, कोई खड़ा था आपके सपोर्ट में? और हाँ, कोई चीज और कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग इनके खिलाफ में वीडियो मत बनाइए, ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारे तरफ से मत बनाइए, हम नहीं, वो स्ट्राइक जाएगा तो हम लोग ये नहीं कुछ कर नहीं पाएंगे। और आज स्ट्राइक जाता है तो हम लोग से संपर्क करिएगा, क्योंकि आज नहीं हम लड़ रहे हैं। हाँ, आज नहीं किसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये हमेशा स्ट्राइक वाला खेल खेलते रहेगी, क्योंकि आज भी उसने वही बात बोला कि मेरे खिलाफ कोई वीडियो बनाएगा, मुझे कोई नीचा दिखाएगा तो मैं स्ट्राइक मारूंगी, चैनल डिलीट कराऊंगी। अगर अभी हम लोग किसी के साथ नहीं दे सकते, आगे हम लोग किसी का साथ नहीं देंगे, बस इतना जान लीजिए। और दूसरी बात, हाँ एक मैं चीज और बोलने वाली, और हाँ अगर मेरे मुद्दे पे आप लोग सवाल जवाब करेंगे तो अगर आप लोग पे स्ट्राइक जाता है तो हम लोग से तुरंत संपर्क करिए, आप लोग उसका जवाब नहीं दे पाएंगे लेकिन हम आपसे उन लोग का सवाल का जवाब दिलवाएंगे, क्योंकि हम आज नहीं इस बात को उठाएंगे। अगर मान लीजिए ऑडियंस है, मैं ये भी कहती हूँ अगर मेरी गलती है, अगर आप लोग उनकी तरफ से हैं तो आप लोग मुझे भी गाली देके समझाइए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका चैनल डिलीट कराऊंगी अपना नाम अपना फेम बचाने के लिए, ठीक है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ, मैं जानती हूँ चैनल को कैसे पाला जाता है, क्योंकि आज महादेव भैया ने एक टॉपिक कहा है, बोलना चाहूंगी। वैसे मैं किसी के बेटियों को कभी जिंदगी में भगवान मुझे दिन ना दिखाए कि मैं किसी के बच्चों को कोई चीज बोलूं, लेकिन आज मैं बोलूंगी, क्यों बोलूंगी ये चीज सुनिएगा, महादेव के बात पे इस चीज को बोलूंगी। महादेव ने क्या बोला है, खुद का चैनल तो खड़ा
निकाल ले रही है, और उन लोगों का क्या जिन लोगों का चैनल डिलीट हुआ है, खुद तो गाली दे दे के खड़ा कर ले रही है। भुला गई ना अपने बेटी के, भुला गई ना अपने बेटी के भी आकर चैनल खड़ा करो ले रहा ला। हाँ वो भूल गई, भुला गई ना। तो अरे लगता टॉपिक बा, हम तो अपने बच्चों को भगवान से दुआ करते हैं, अभी छोटे हैं, नाच गा लेते हैं थोड़ा बहुत मौज मस्ती में, लेकिन भगवान से दुआ करेंगे दोस्तों कि आज जो काम हम कर रहे हैं, आज जितनी परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे यूट्यूब पे ना जूझे। क्योंकि आज आज अगर ऐसी ऐसे औरतें ऐसे आदमी बीवी मिल के एक औरत को नीचे गिरा रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये दोनों मियां बीवी मिल के एक औरत को नीचे गिरा रहे हैं, इससे बड़ा नीच आदमी कोई नहीं हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिए। मियां भाभी मियां बीवी ने मिल के वीडियो बनाया है ना, लेकिन मैं तो अकेले हूँ, मेरा मर्द इसकी तरह नहीं है। अगर हमारा मर्द चार आदमी के बीच में एक थोपा मार देना तो हम लोग मुंह नीचे करके किनारे हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमने मर्द के लाते से मारे ले यार, लात खा के, लात खा के इंसान, लात खा के इंसान बनल बाटा तो तनी समझा। चलो खैर, गोरखपुरिया भौजी की लात खाने से वो इंसान बना है यार, नहीं समझ रही हो कोई क्या करेगा जब। और हाँ देखिये, मैं इसमें किसी की बेटी को नहीं बोलना चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन मैंने ये मुद्दा इसलिए खड़ा किया, जो आज महादेव चिल्ला रहा है उस अपना इतना नटाई फाड़ रहा था, अगर इतना नटाई फाड़ने के लिए अपने घर के पीछे रहता ना तो हाउस वाइफ बन के आराम से रहता और तुम्हारी इज्जत होती चार आदमी में। यार तो एक ब्रांड, कहाँ इज्जत होती है तुम्हारी, एक ब्रांड हो, चार घंटा में 10,000 सब्सक्राइबर ला दी हो तो फटेगा नहीं, मतलब बताइए यार कुछ भी। और वो जो न्यूज वाला है, पसंद करता जो एक न्यूज वाला है टोटल उस पे इसी का वीडियो आता है, और किसी के न्यूज पे नहीं जाता, टोटल इसी के न्यूज पे आता है। वो कह रहा है सवाल कैसे उठा दी, सवाल कैसे उठा दी, अपने माई से जाके पूछ, न्यूज वाले से कहते हैं अपने माई से जाके पूछ, वो अपने मुंह है कहते हैं कि बाबा ठाकुर मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा, जाके पूछ कि जब स्ट्राइक मारा तब क्यों नहीं तुम आवाज उठाई, वो नहीं पूछ, जब पैसा दे रही थी तब क्यों नहीं तुम आवाज उठाई, आज क्यों बाबा ठाकुर का नाम उठा रही हो, ये चीज भी दिमाग लगाओ। खैर कोई बात नहीं, वो बोल रहा है ना कि तब तोड़ नहीं था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है यार, नहीं तब डरते थे हम, ये भी सीमेंस लिया है, ये भी पता नहीं क्या ले रखा है, और दिखाता है अपने पता नहीं क्या बता रहा है कि मेरे इसने मैनेज है ये वो फलाना ढिमकाना। तुम किसी को ऊपर उंगली उठाने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने भी वही काम किया है। अगर तुम आज मेरे को बोल रहे हो कि मैं पैसा खा के कुछ करी हूं, तो एक उंगली तो मेरे तरफ उठाए हो, लेकिन बाकी की उंगलियां तुम्हारे तरफ भी है। जाके YouTube वाले बाबा का वीडियो देख और मर्द हो तो उसका जवाब दे दियो, बाकी का ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी दोस्तों। एक बात और लास्ट में जाते जाते कहना चाहूंगी, गोरखप्रिया भौजी ने सच्चाई अपने मुंह से सारी कब ली है, बाबा ठाकुर को पहले से जानती है, बाबा ठाकुर का मैंने नाम नहीं लिया, बाबा ठाकुर को पहले से जानती है, उसका बेटा बाबा ठाकुर को अपना बेटा बनाई थी, ठीक है, सारी बात आप लोग जाइए, वो अपने मुंह से सब चीज कबूल रही है। इसका सवाल का जवाब आप लोग करिए कि अगर वो बाबा ठाकुर को पहले जानती थी आज से कुछ साल पहले तो उसने एक भी वीडियो क्यों नहीं बनाया, बिल्कुल, क्योंकि वो खुद पैसा देके करा रही थी। और बाकी का हाँ एक बात और बोलना था महादेव के, अरे रह दे तू बिहार नहीं है तो अर्दुलहत बोली। हाँ हाँ यार, लेकिन हम लोग के आदमी, हम लोग के आदमी यार ऐसे है ना, सिखा सिखा बोलवाएंगे यार। नहीं दोस्तों, हमारे आदमी देखिए जल्दी बोलते नहीं है, अब बोलते हैं मेरे आदमी अपना व्यवहार सबसे रखते हैं। आप लोगों ने विकास भैया का वीडियो भी जाके देख लीजिए, हमने भले उनके लिए वीडियो बनाया था, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में विकास का कहना भी सही है, इसको जितना भाभी माँ और मानते गए ना उतना ही ये सब में डालते गए। जो स्ट्राइक लगा था उसमें राधा जी के पति राधा मुझसे नहीं बात करते थे, पर राधा को नहीं पता था, राधा के हस्बैंड जी दूसरे से संपर्क करा के मेरा नंबर दे के और मेरे सच्चाई बताओ जब वो पैसा दे के मरवाया था। तो चलिए दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, मान लीजिए जिस मैं एक बात और बता दूं, इनकी बात मैं क्लियर ही कर देती हूँ, गोरखपुरिया भौजी ने पैसा दे के इनके चैनल पे स्ट्राइक तो मरवा दिया, लेकिन उनको ये भी पता था कि राधा राज से वो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल है? तो मैंने डायरेक्ट उनसे बोला भैया देखिए किसी की रोजी रोटी है आप ऐसे कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने भी बोला उनसे कि भैया मान लीजिए पैसा देके वो स्ट्राइक तो मरवाए, लेकिन अब आपकी भी इंसानियत है कि आप स्ट्राइक वापस लीजिए, उनको भी जीने खाने दीजिए। एक बार के कहने पर बंदे ने तुरंत स्ट्राइक सारा हटवा दिया। अब मानिए अगर मैं बाबा ठाकुर के साथ मिलकर गंदा काम करती तो मेरा भी नाम गंधाता, ठीक है, लेकिन मैंने उनको समझाया, उन्होंने एक बार के समझाने पर तुरंत बोल रही है ना भाई का दर्जा, मैं तेरे को बोलती हूँ सुन, तूने तो बेटा बना के सारा कांड रचा और मैंने भाई बना के सारा मैटर हटवाया, ठीक है, इस चीज को ध्यान दे, सही चीज किया तुमने, बेटा बनवा के पैसा दे के स्ट्राइक ठुकवाया और मैंने भाई बना के सबका फ्री में स्ट्राइक, एक भी रुपए दिए हैं नहीं मुझसे, और भी प्रीति की भाभी है सरोज, बहुत लोग ऐसे क्रिएटर है जिनका फ्री में स्ट्राइक हटवाई हूँ, एक पैसा नहीं, ठीक है, और मेरे अंदर ये नहीं चैनल मैनेज पे लिए दोनों, ठीक है, कुछ नहीं की हूँ, लेकिन हाँ जो बोला कि दीदी क्योंकि रंजन को इन सब चीज का नॉलेज ज्यादा है, रंजनीसा जलवंशी,
रंजो को इन सब चीज का नॉलेज ज्यादा है, ठीक है। तो रंजो को हम बोलते थे बाबू अगर आपकी बस का हो तो ही आप किसी का चैनल मैनेज करिएगा, और वो बंदा चैनल मैनेज करता भी था, ठीक है। और बाकी की बात रंजा अपने हिसाब से आपको जवाब दे देगा, क्योंकि रंजा के हाथ में पैनल था तो रंजा उसका जवाब दे देगा। और हाँ एक बात और बता दूं, रंजा जो चैनल देखते थे, मैं बता देती हूँ एक बात और लास्ट में जाते जाते क्लियर करूंगी। रंजा जिसका रंजा मतलब मैनेजमेंट जिस जिसका चैनल लेते थे हम लोग के थ्रू, जिन जिनका चैनल आता था वो लोग बोलते थे अगले महीने नहीं इस महीने पैसे देंगे ये, कोई भी बात, क्योंकि कोई भी डिजिटल अगर मेहनत कर रहा है, स्ट्राइक हटवा रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है तो पैसे लेता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये दिमाग लगाओ गोरखपुरिया भाऊजी पैसा देके स्ट्राइक मरवा सकती है, तो कुछ लोग पैसा देके भी तो हटवाते हैं। कौशल भैया हटवाएं, हम हटवाएं, चंदा दीदी हटवाएं, कन्हैया भैया हटवाएं, सब हटवाएं। अच्छा तो ठीक है, रंजे से जाके पूछिए, हम किसी से हम लोग चैनल जबरदस्ती मैनेज में नहीं लिए। स्ट्राइक हटा, आप अपना चैनल ले जाना चाहते हैं ले जाइए, खुशी देना चाहते हैं दीजिए। और आज तक जितना चैनल मैनेज में है उन लोग के ऊपर एक खरोच तक नहीं आई है, ठीक है। और बाकी की बात सच्चाई बताते रहेंगे, और बस यही कहना चाहूंगी लास्ट में जाते जाते रिकॉर्डिंग सुनी हो तो, और बाकी की भगवान भरोसे। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।